हरिद्वार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया। चंद्राचार चौक पर विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में एकत्र हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि दो दिन पहले मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने को लेकर कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं का शांति भंग में चालान किया गया। ये सरकार का तानाशाही रवैया है। अगर पुतला जलाना अपराध है तो किसी भी राजनीतिक दल को पुतला फूंकने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सरकार की कुकृति आपके सामने आ रही है। 1930 का एक कानून ये लाए हैं ब्रिटिश सरकार का कि कोई भी मुख्यमंत्री का पुतला नहीं दहन कर सकता। क्या इतना हमारा मुख्यमंत्री, हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है जिनको धाकड़ धामी के नाम से जाना जाता, क्या इतना डर गए? क्या पुतला फूका था तो उन्हें जानने की कोशिश नहीं करनी थी कि क्या युवाओं की ऐसी भावना आहत हुई थी जो उन्होंने इनका पुतला फूकने का कार्य करा? क्या यहाँ का शासन प्रशासन ये बताने का कार्य करेगा कि अभी 3 महीने पहले जो राहुल गांधी जी का पुतला फूका गया था वो किस आधार पर फूका गया था? क्या देश में या इस प्रदेश में दो कानून चल रहे हैं, कांग्रेसियों के लिए अलग और भाजपा के लिए अलग? क्या 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले मेरे पुतले नहीं फूके? अगर पुतला फूकना बैन है तो आज जिला शासन प्रशासन इस चीज को तय कर ले कि पुतला किसी का भी नहीं फूकेगा।